आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को डिस्कस करने का मुख्य कारण ये है कि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद इस समय स्टॉक देखेंगे तो कंसोलिडेट फॉर्म में चल रहा है, जो कि इसका इनिशियल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राइस है अराउंड 6.50 रुपये के आसपास के प्राइस का। लेकिन अभी भी इस स्टॉक में रिवर्सल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में अभी अप ट्रेंड शॉर्ट टर्म में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है एज पर ट्रेंड एनालिसिस। इस स्टॉक में डिलीवरी देखेंगे तो अराउंड 30-50% तक की डिलीवरी दिख रही है, लेकिन टेक्निकली अराउंड 40% तक का करेक्शन विद इन 3 मंथ में दिखा है। उसके बाद भी पिछले 1 वीक से देखेंगे तो कंसोलिडेशन इन डाउन ट्रेंड में यह स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक को बाइंग करने से बचना चाहिए। हालांकि ये कंसोलिडेट फेज पहले भी रहा था लगभग सितंबर 2021 में, और इसी प्राइस को ब्रेक करने के बाद स्टॉक ने रिसेंट के जो ईयरली हाईज हैं अराउंड 13 रुपये तक के प्राइस को टच किया था। तो इस समय मेरा पर्सनली मानना है कि 5.80 रुपये 5 रुपया तक के लेवल्स भी डाउनसाइड इन वर्स सिनेरियो दिख सकता है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो एग्जिट करने की गलती नहीं करें। पैनिक सेलिंग में हमेशा आप लॉस करते हैं, और अगर ऑलरेडी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो पोजीशन बनाए रखें। अगर नहीं है तो इस स्टॉक में 8 रुपये के ऊपर के क्लोजिंग के लिए वेट करना चाहिए, उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख सकता है। तब तक के लिए ये स्टॉक 5.50 रुपये से लेकर के 6.50 रुपये 7 रुपये के बीच में कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है, और इजिली मेरा मानना है कि 8 रुपये के क्लोजिंग पे इजिली इस स्टॉक में 100% तक के रिटर्न विद इन 5-6 मंथ के ड्यूरेशन में दिख सकता है।